अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मैं आज आपको खातूनी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। ये कृषि की मेडिसिन है, खातूनी के नाम से बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। किसी भी मेडिकल शॉप पर जाएं और आप जो है वो खातूनी नाम से तलब करें तो आपको इजीली जो है ये मेडिसिन मिल जाएगी। ये मेडिसिन के अब मैं आपको यूजेस बताती हूँ। जिन लड़कियों को माहवारी में बेकायदगी होती है, यानी कि इररेगुलर पीरियड्स आते हैं, वक्त पे पीरियड्स नहीं आते, या बहुत जल्दी आ जाते हैं, या बहुत देर से आते हैं, या बहुत ज़्यादा आते हैं, या बहुत कम आते हैं, या बहुत दर्द से आते हैं, यानी कि उनके पेट में पीरियड से पहले या बाद में बहुत शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है, जिनको पीरियड क्रैम्प्स भी बोला जाता है, वो होते हैं, उनको भी ट्रीट करती है। हाँ, और लिकोरिया जो कि वुमेन में बहुत आम बीमारी हो चुकी है, जिससे कमज़ोरी, जिस्म दर्द, कमर दर्द जो है ये रहता है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। मैंने खुद भी ये मेडिसिन यूज़ की है, इसीलिए मैं आपको और तमाम यंग लड़कियों को जो है वो रिकमेंड कर रही हूँ कि वो इसका यूज़ सिर्फ एक महीना करके देखें। अगर आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आता है तो आप इसको यूज़ करें। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, वुमेन से रिलेटेड तमाम जो ओवेरियन डिजीज़ है उनको ये ट्रीट करती है। इसके अलावा अगर आपको पीरियड से पहले घबराहट, बेचैनी, उल्टी, मतली, कै आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस्म में दर्द होना, बेचैनी और इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स को ये दूर करती है। इसके अलावा अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है बार बार, तो इट मीन्स कि आपकी ओवरी अंदर से बहुत वीक हो चुकी है, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हर्बल मेडिसिन है। इसको यूज़ करें और देखें आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वो दीगर हार्मोनल इम्बेलेंसमेंट जो है उसको भी ट्रीट करती है, और सिस्ट बन जाती हैं आजकल लड़कियों में ओवरीज की, उनको भी रोकती है बनने से अगर इसका रेगुलर यूज़ किया जाए। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल की जाती है और 2 खाने के चम्मच जो है वो लिए जाते हैं। बहुत ही आसान इस्तेमाल है इसका, लेकिन कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आपको एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना हर किस्मत भूलिएगा।